जनता का पैसा इन कंपनियों को, इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया है और 62,000 करोड़ दिया है। 41 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया। 2,471 करोड़ का चंदा इनने दिया जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, इन्होंने कई राज्यों को लूटा, उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड़ का चंदा भाजपा को दे दिया और फिर ईडी आईटी का एक्शन सब खत्म हो गया। मतलब ये वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2,500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इस सब की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये इस आज़ाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है। कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले, उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे तीन, ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन होता है, इसकी तो जाँच होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इसकी जाँच सीबीआई भी नहीं कर सकता, इसकी जाँच ईडी भी नहीं कर सकता, इसकी जांच तो कोई एसआईटी ही कर सकती है क्योंकि इनमें इन सब अधिकारियों की भी जांच होनी होगी जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को आज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहते हैं। देखिए, 2G का एक घोटाला हुआ, कोयले की खदानों का, कोलगेट का घोटाला हुआ। उसमें क्या था, उसमें ये था कि बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से 2G के लाइसेंस दे दिए गए और कोयले की खदानें दे दी गई। उस केस में मनी ट्रेल नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या निकल कर आया है, देखिए, हम लोगों ने थोड़ी अभी प्रिलिमिनरी क्विक एनालिसिस करी है और क्योंकि आधा इलेक्टोरल बॉन्ड 50% भाजपा को मिला है, तो हमने भाजपा की थोड़ी ज़्यादा गहन एनालिसिस करी। अब मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके से या 3 तरीके से घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए। पहला, जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंधा लो, यानी कि प्रीपेड। पहले आपने चंदा दिया, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा, ठेका दो, ठेका लो, रिश्वत दो, यानी पहले आपको ठेका मिल गया, उसके तुरंत बाद या उसके जल्दी ही आपने इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दिए जिस पार्टी की सरकार ने आपको ठेका दिया। अब मैंने बोला भाजपा का हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, प्रिलिमिनरी एनालिसिस में ये बात निकल कर आती है कि चंदा दो धंधा लो, ठेका दो रिश्वत दो में 1,751 करोड़ के बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिए। और ठेके कितने के दिए, 62,000 करोड़ के ठेके दिए गए। अब देखिए, इसमें एक बात समझने की है, चाहे उसमें आपको या भाजपा को जो रिश्वत मिली बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, चाहे वो 1700
51 करोड़ ही रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 62,000 करोड़ के दिए गए उन कंपनियों को जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। अब क्यों हम कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनियों का पैसा है, उन्होंने दे दिया, उससे जनता का क्या लेना देना। ठीक से देखिए तो ये जनता का पैसा है, क्योंकि जनता का पैसा इन कंपनियों को, इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया है और 62,000 करोड़ दिया है, और उसमें कितना अवैध दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता। कि मतलब अगर इसमें घूस की बात नहीं होती, चंदे की बात नहीं होती, तो ये 62,000 के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 40,000 के ही होते, यानी हो सकता है 20,000-22,000 करोड़ जनता की जेब में से निकल गया इस 1751 करोड़ के बॉन्ड के नाम पर घूस देने के लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां, 41 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया 2,471 करोड़ का चंदा इन 41 ग्रुप्स ने दिया जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। और ये चंदा देने के बाद उस रेड का क्या हुआ, कोई फॉलोअप किया गया कि नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया? और अगर छोड़ दिया गया, जैसे कि नितिन ने बताया, वो जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, उनके बारे में तो सीएजी ने बता दिया था कि इन्होंने कई राज्यों को लूटा। अब उनके ऊपर ईडी ने 2023 में रेड करी, 2021 में, 2023 में इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है, और उन्होंने भाजपा को तुरंत 60 करोड़ का उस समय चंदा दे दिया। टोटल तो भाजपा को उन्होंने कई 100 करोड़ का चंदा दिया था। और उसके बाद अगर ये आप लोगों के छानबीन का काम है कि उसके बाद अगर ईडी और आईटी का एक्शन रुक गया, तो आप समझ लीजिए कि जनता का कितना नुकसान हुआ है। यानी कि हजारों करोड़ वो लूट रहे थे, उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड़ का चंदा भाजपा को दे दिया, और फिर ईडी आईटी का एक्शन सब खत्म हो गया। तो यानी देश को, जनता को, पब्लिक एक्सचेकर को कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ उसके वजह से। मतलब ये वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2,500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5% 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा, और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली, और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदल कर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आज़ाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है, और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले
या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी आईटी सीबीआई का, उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी आईटी और सीबीआई के लोग जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे तीन ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई, और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन होता है। ये चीज़ बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन, जब इन एजेंसियों की ही तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा। ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी ईमानदारी से तहकीकात होनी है, लेकिन अभी तो आप लोगों को आपकी सबकी ड्यूटी है कि इसकी पूरी छानबीन करिए कि भाई इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई या आईटी की रेड हुई, कब हाथ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी आईटी का एक्शन हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप लोग पता लगा सकते हैं। लास्ट बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2019 उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ऑर्डर किया है देने के लिए, लेकिन उसके पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों इलेक्शन कमीशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो बॉन्ड मिले हैं वो किसने दिए हैं, वो उनसे पूछो। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, और बड़ी अजीब बात है कि छोटी छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किसने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा कांग्रेस टीएमसी, इन लोगों ने नहीं बताया कि किसने दिए हैं। और एक पार्टी ने तो जेडीयू ने तो ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई दरवाजे के नीचे छोड़ गया था, भाजपा वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमको पता नहीं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे आप 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमको नहीं पता कौन दे गया, कमाल की बात है। तो कायदे से इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा कायदे से बाहर आना चाहिए 2019 के पहले का भी। और जैसे मैंने बोला, ये तो दिखाता ही है कि भाई हमारा जो पूरा पूरा लोकतंत्र है उसमें पैसे का कितना खेल हो गया है। कि देखिए इलेक्शन में हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है 75 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं, यानी अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, एक कोई पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है लोकसभा में, तो टोटल वो 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ही ज़रिए सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को, 8,250 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल जाते हैं। यानी कहाँ 400 करोड़, कहाँ 8,000 करोड़। अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट्स पर, और कोई लिमिट नहीं लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, तो फिर कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट लगाने की का कोई मतलब ही नहीं है, अगर वो पार्टियाँ उससे 20 गुना 30 गुना ज़्यादा खर्च कर सकती हैं। और जो वो कैश की बात कह रहे थे ना कि भाई हम कैश ख़त्म करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इस वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, वो कैश तो पूरी तरह से चल रहा है। अगर कैश ख़त्म करना था तो उसका बड़ा सिंपल तरीका था, जब आपने डीमोनेटाइजेशन किया तो आपने बोला कि भाई हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करें। ऑर्डिनरी लोगों को तो आप नहीं बाध्य कर सकते कि भाई आप सिर्फ बैंक से ही लेन देन करिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कर सकते थे। एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बस अमेंडमेंट लाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स विल ओनली टेक मनी एंड स्पेंड बाय बैंकिंग चैनल्स एंड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक कैश।
और स्पेंड इन कैश। अगर आप ये कर देते और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो फिर उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना था, उससे कैश करीब करीब बंद हो जाता, लेकिन वो लाए नहीं और उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, जिससे जो वाइट मनी भी था, जो बैंक के थ्रू भी था, वो भी सारा पैसा अवैध होकर इस तरह से घूस वूस के थ्रू दे दिया गया। ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ब्राइबरी किकबैक्स का केस है ना। आधे से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं कंपनियों ने दिए हैं जिनके ऊपर ईडी आईटी वगैरह की रेड हुई और उसके बाद उसके आसपास उन्होंने दे दिए, या जिनको ठेके दिए गए उसके आसपास उन्होंने दे दिए, या जिनके फेवर में पॉलिसी बदली गई उसके आसपास दे दिए। तो ये तो सीधा सीधा करप्शन का मामला है, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इसकी जांच सीबीआई भी नहीं कर सकता, इसकी जांच ईडी भी नहीं कर सकता, इसकी जांच तो कोई एसआईटी ही कर सकती है, क्योंकि इनमें इन सब अधिकारियों की भी जाँच होनी होगी जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। सरकारी पैसा भी वो पार्टी जो पावर में है इस्तेमाल कर रही है, सारा सरकारी पैसे पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बनाए गए हैं, विकसित भारत कैंपेन, सरकारी अफसरों को यूज़ किया जा रहा है, सरकारी हवाई जहाज़ यूज़ करे जा रहे हैं प्रधानमंत्री की कैंपेन वगैरह के लिए, और मीडिया जो है ज़्यादातर सरकार के कंट्रोल में आ गई है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या ईडी वगैरह का डर दिखाकर सबको कंट्रोल में ले लिया है। सिर्फ जो अल्टरनेट मीडिया है, जो आज मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में इक्के दुक्के हो सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट मीडिया में लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, उसके ज़रिए कम से कम ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए।